135 लोगों की मौत का आरोपी आजाद घूम रहा है और एक राजनीतिक पार्टी और प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट करने वाला पुलिस के शिकंजे में है। इससे इतना तो पता चलता है कि आम जनता की जिंदगी की कितनी कीमत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। अक्टूबर में मोरवी के मच्छू नदी का झूला पुल अचानक गिर गया था, जिसमें महिलाएं और बच्चे सहित 135 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे के बाद से लगातार सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रही थी। राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरवी हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरवी पहुंचने से पहले ही रातों रात अस्पताल में पेंट किया गया, आरओ मशीन लगाई गई, जिसको लेकर बीजेपी की जमकर आलोचना की गई। इस दौरे के बाद टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले ने ट्वीट कर पीएम मोदी के मोरवी दौरे के खर्च को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि आरटीआई से पता चलता है कि मोदी के कुछ घंटों की मोरवी दौरे पर 30 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें से 5.5 करोड़ रुपए विशुद्ध रूप से वेलकम, इवेंट मैनेजमेंट और फोटोग्राफी के लिए थे। मरने वाले 135 पीड़ितों को प्रत्येक को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई है, यानी कुल 5 करोड़ रुपए। सिर्फ मोदी के इवेंट मैनेजमेंट और पीआर की कीमत 135 लोगों की जान से ज्यादा है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरवी दौरे को लेकर खर्च के 30 करोड़ रुपए के दावे को झूठ बताया, जिसके बाद टीएमसी के प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उसके तहत सोमवार को गुजरात पुलिस ने साकेत गोखले को जयपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। गोखले ने मंगलवार सुबह अपनी मां को इसकी जानकारी दी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर साकेत की गिरफ्तारी की जानकारी दी। इसके साथ राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने मोरवी हादसे को लेकर 6 ट्वीट किए थे। किस ट्वीट पर कार्रवाई करते हुए गोखले को गिरफ्तार किया गया है, इसकी अभी हमें जानकारी नहीं है। यहाँ सबसे पहले दिमाग में कोई सवाल उठता है तो वो ये है कि क्या हमारे देश में आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? एक फेक ट्वीट करने वाले पर इतनी तेजी से कार्रवाई होती है कि वो पुलिस के शिकंजे में है, लेकिन मासूम लोगों की जान लेने वाले अभी तक बाहर घूम रहे हैं बिल्कुल आजाद। अक्टूबर से दिसंबर हो गया, लेकिन बेगुनाहों के मौत के अपराधियों को कब पकड़ा जाएगा? उन पीड़ित परिवारों को न्याय कब मिलेगा जिन्होंने अपनों को खो दिया? इसी तरह की तमाम वीडियो और अहम खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।